प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 दिनों के विदेश दौरे से भारत वापस लौटे हैं। उनका ये विदेश दौरा काफी सुर्खियों में रहा। एक तरफ जहां उन्होंने दुनिया के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की, वहीं दूसरी ओर उद्योग से लेकर कला जगत की मशहूर हस्तियों से भी मिले। पीएम मोदी 19 मई को जापान पहुंचे थे। यहां हिरोशिमा शहर में आयोजित G7 समिट और फिर क्वाड सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दुनिया के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। कई देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी में हुए फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी FIPIC की बैठक में शामिल हुए। यहां से पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय नागरिकों के एक बड़े समूह को संबोधित किया। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री ने 13 देशों के प्रधानमंत्रियों और 9 राष्ट्रपतियों और अन्य नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस दौरान अमेरिका, फ्रांस, जापान समेत 9 देशों के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। इसके अलावा 13 देशों के प्रधानमंत्रियों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। जापान और ऑस्ट्रेलिया के कई उद्योगपति, कलाकारों, साहित्यकारों और अन्य बड़ी हस्तियों से भी पीएम मोदी मिले। पीएम मोदी हिरोशिमा में हुई G7 की बैठक में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। G7 दुनिया के 7 विकसित और अमीर देशों का समूह है, जिसमें कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने क्वाड की बैठक में भी शिरकत की। G7 मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद पीएम मोदी के पास आए। दोनों ने गले लगाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इस दौरान बाइडेन ने कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का पीएम मोदी से इस तरह से मिलना और ये बातें कहना अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। वहीं जापान जाकर पीएम मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत किया। इसके साथ ही भारत ने यह भी बता दिया कि वह हर कदम पर जापान के साथ है। ये चीन को साफ संदेश था कि तकनीकी के मामले में जापान हमेशा से भारत की मदद करता रहा है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद मोदी ने पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से आमने सामने मुलाकात की। इस पर पूरी दुनिया की नजर थी। मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के जरिए विवाद शांत करने की बात कही और वहीं यूक्रेन को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। ये अपने आप में किसी देश के लिए गर्व की बात है। एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भारतीय प्रधानमंत्री का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यही नहीं, अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया। इस चंद सेकंड के वीडियो फुटेज को पूरी दुनिया ने देखा। इससे दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का बड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पश्चिमी देशों से एशिया को प्रशांत क्षेत्र जोड़ता है। यहां 50 से ज्यादा छोटे देश और आइलैंड हैं, जहां चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा है। अब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी फिपिक में शामिल हुए। इसके जरिए उन्होंने हिंद क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम को रोकने की दिशा में पहला और एक बड़ा कदम उठाया। फिपिक में पीएम मोदी ने नाम लिया बिना विकसित देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील और गरीब देशों पर पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भुखमरी और गरीबी कई चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्या उत्पन्न हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरान जिन पर भरोसा किया वो मुसीबत के समय हमारे साथ नहीं खड़े थे, जबकि भारत मुश्किल वक्त में प्रशांत द्वीप के देशों के साथ खड़ा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने हाल ही में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को मंजूरी प्रदान की है। इस बड़े बदलाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा है। अपने दौरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। इसके पहले मार्च में ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।